सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 47 और 48 साइज, जिसका मैं तीरा फ्रंट और आर्मोल लेंथ बताऊंगा और इसमें बाजू का आर्मोल बताऊंगा कि आप कितने पे रखेंगे तो ये आपका ओके बैठेगा। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यान से इसे नोट भी कर लें। ये आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि हैवी साइज होता है ज्यादातर, ये इसमें अल्टर ही आती लोगों की, ये सही से नहीं बिठा पाते। और इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी चीज बताऊं उससे आप बारीकी से आप देख लेना और समझ लेना और नोट जरूर कर लेना इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज अगर कोई मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहा है और अगर ये चीज नहीं समझ पाता कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ, तो आप मेरी कमीज कटिंग की वीडियो देखें, स्टिचिंग की भी वीडियो देखें, साथ ही मेरी ये नाप समझने के लिए आप मेरी मेजरमेंट की वीडियो जरूर देखें। मेजरमेंट की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं नाप किस हिसाब से रखता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 47 और 48 साइज है जो हमारा नाप लेते हैं हम, उसके बाद जो तैयार नाप बैठता है ये वो नाप होगा, ठीक है। चाहे आप कमीज से अगर कोई नाप लेते हैं वो फिक्स होता है, वो नाप हो गया। लेकिन अगर हम बॉडी का नाप लेते हैं तो बॉडी के नाप में हम जो लूजिंग डालते हैं उसके बाद अगर 47 और 48 तैयार है तो मैं आपको बताऊंगा कि यार उसमें कितना तीरा फ्रंट रखेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा तीरा होता है, ये वाला हिस्सा जो जा रहा है, ये तीर का ही कोने वाला है, इसे तीरा कहते हैं हम। ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से हम नापते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्रंट, ठीक है। यहाँ से जो हम यहाँ पे नापते हैं इसे कहते हैं आर्मोल लेंथ, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ले रखा है प्लेट लेंथ, ये कमर का नाप, ये वाला हिप का नाप, तो ये तीन नाप जो है, या मेरे मेजरमेंट की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये नाप से तीरे का कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ फिटिंग के लिए होते हैं। ये फिटिंग आप उस अपने हिसाब से लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन तीरा आप कितना किस में फ्रंट रखेंगे, तीरा रखेंगे, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो 47-48 साइज के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा 1-4 गला, अगर डीप है बैक गला, हम आगे का गला 7 इंच लेके चलेंगे, आप 6.5 इंच भी लेंगे तो भी हम बैक गले के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। हमारा आगे का गला 7 हो या 8 हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक गला डीप है उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम जो तीरा बताएंगे वो आप उसी हिसाब से तीरा लेके चलेंगे। तो 1-4 तक अगर हमारा गला डीप है, ठीक है, बैक गला, तो वो गला फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, तो हम तीरा उसमें वही रखेंगे जो हम कॉलर वालों में रखते हैं। जितना हमारा तीरा तैयार बैठेगा उतना हम तीरा रखेंगे, उसमें बाजू के लिए मार्जिन भी अलग से देंगे, ठीक है। तो 16 और 16.5 तीरा बैठता है 47-48 साइज में, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें। बाकी किसी का 16 भी बैठता होगा, किसी का 17 भी बैठता होगा, तो वो आप नाप भी लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से इंची डेढ़ से निशान लगाएंगे तो 16.5 है, तो 8.25 इंच आपने निशान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हम बाजू चढ़ाने के लिए हल्का सा मार्जिन देंगे, ठीक है। यहाँ से हम ये जो फ्रंट रखेंगे इसका, ये फ्रंट रखेंगे हम 7 इंच, ये 7 इंच रखेंगे, ध्यान रखना, इस साइज में हम यहाँ से 7 इंच रखेंगे। और फिर हम इसको इस हिसाब से करने के बाद ये जो शेप दे रखी है मैंने ब्लैक कलर से, इसको भी इस हिसाब से देंगे तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको सिर्फ इसे पेपर बता रहा हूँ, लेकिन आप कैसे काटेंगे क्या करेंगे, जब ये दो वीडियो रह गई मेरी, 47-48, 49-50, ये आप दोनों के दोनों वीडियो बनाने के बाद मैं आपको एक कमीज पे कटिंग करके भी बताऊंगा कि जो मैं चीज बताता हूँ आप कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें 1-4 गले डीप में जब ये सेफ लगा लेंगे, फ्रंट आप रखेंगे, चलो मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले हमारा काम होता है निशान लगाना, तो यहाँ से जो आर्मोर लेंथ रखेंगे वो रखेंगे हम 8 इंच, ठीक है, 8 इंच का। यहाँ से जो फ्रंट का निशान लगेगा वो लगेगा 7 इंच, ठीक है, ये 1-4 गले के डीप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो तीरा बैठेगा तैयार, तीरे के बाद हल्का मार्जिन देंगे, जितने हम बाजू चढ़ाएंगे वहां से जितना आएगा उस हिसाब से लेने के बाद आप यहाँ पे एक सेफ दे दें, ठीक है। और यहाँ पे हम जितना भी ब्रॉड रखेंगे, 3 इंच ब्रॉड अगर हम डबल में हो जाएगा 6 इंच, आप 3 इंच ब्रॉड रख लें, लेकिन जब खोलेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्रॉड अपने हिसाब से 7 भी कर सकते हैं, जिसको ज्यादा ब्रॉड रहने के आ रहे थे, आप यहाँ से कंधे को 1/2 इंच डाउन करेंगे इस हिसाब से, ठीक है, कंधे को 1/2 इंच डाउन कर देंगे, ठीक है। ये कंधे डाउन करने के बाद ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा कट जाएगा। लेकिन आप जब भी इसकी बैक काटेंगे, चाहे वो 1-4 तक हो या 1-10 तक गले में, आप इसका बैक पल्ला इतना उठा के जरूर काटेंगे इस साइज में, ठीक है, 1/4 इंच उठा के जरूर काटें। इससे क्या होगा, हमारा गला पीछे नहीं भागेगा, वो कंफर्टेबल बैठेगा, काफी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है, आपकी अल्टर नहीं आएगी। ये हो गया 1-4 तक का
कि 16 और 16.5 का तीरा बैठेगा, फ्रंट इतना रहेगा 7 इंच, ठीक है, आर्म लेंथ 8 इंच रहेगी, उस हिसाब से आप सेफ पे निशान लगा के आप काट दे। अब हमारा आता है 5 से 6 गला होता है, हम कितना रखेंगे। अगर हमारा 5 से लेकर अब 10 इंच तक गला होगा तो मैं आपको सबसे पहले दो चीजें नोट कराता हूँ, आप वो चीज नोट कर लो और लिख लो। अगर हमारा 5 से 10 इंच तक गला डीप है तो हम यहाँ से जो निशान लगाएंगे फ्रंट का वो होगा 7.5 इंच पे परमानेंट हम, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रंट का निशान लगेगा वो होगा परमानेंट 7.5 इंच का, 7 इंच नहीं होगा, 7.5 इंच होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी तीरा मैं बताऊंगा आपको फिक्स रखना है, उसमें कोई भी बाजू के लिए मार्जिन नहीं रखना है, आप वहीं पे निशान लगा वहीं से काट दें, ठीक है। जैसे जैसे गला बढ़ता रहेगा तीरा कम होता रहेगा, तो आप 5 से 6 इंच गला अगर डीप है तो आप उसमें 6.5 इंच तीरा रखेंगे। यहाँ से आप इंची टेप से 6.5 इंच पे निशान लगा दें, और निशान लगाने के बाद आपका इस हिसाब से शेप बैठेगी हल्की सी, ठीक है, क्योंकि 7.5 यहाँ होगा तो 6.5 हल्का सा रहेगा एक पैर का फर्क, यहाँ से आप गोलाई दे दें ये आपका फ्रंट कट जाएगा। वो कंधी 1/2 इंच डाउन करनी है आपको इसमें भी, ठीक है। इसी हिसाब से जब हमारा 7 से 8 इंच का गला बैक गला होता है डीप अगर, तो हम 6.5 इंच तीरा रखेंगे या फिर हम 1.25 इंच रखते हैं, जिसका ज्यादा गला गिरता है, जिसका कंधा ज्यादा गिरेगा हम 1.25 इंच रख देंगे। अगर 9 से 10 इंच का सब चीज सेम रहेगी इसमें, मैं आपको बता चुका हूँ 7-8 वाले बैक गले में भी आपका फ्रंट इसमें अब 7.5 चलेगा, आर्म लेंथ इसमें 7.5 चलेगी। अगर हमारा बैक गला 9 और 10 इंच है, ठीक है, तो हम इसमें जो तीरा रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच तीरा रखने के बाद अगर किसी का कंधा ज्यादा गिरता है तो आप 6 भी रख सकते हैं, ब्रॉड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इसमें भी कंधी डाउन करेंगे, आर्म लेंथ आप 7.5 लेंगे, फ्रंट आप 7.5 लेंगे, ठीक है, 1/2 इंच 1/2 इंच उठा के काटेंगे बैक पल्ला, तो ये आपका बिल्कुल ओके बैठ जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, हैवी साइज में आप बैक वाला पल्ला उठा के जरूर काटें, इससे आपकी काफी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया कमीज का, कि हम किस कमीज को किस हिसाब से 1 से 10 गले तक हम काट सकते हैं, तो हमारा ये ओके हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बाजू, आप बाजू का आर्म होल कितना रखेंगे। बाजू आर्म होल के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ से हम 3.5 इंच पर नापते हैं, 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से 3.5 इंच पर इंची टेप से नाप के, ठीक है, ऊपर जितनी आपको बाजू लेनी उतनी बाजू लें, मोरी का निशान लगा लें यहाँ से। लेकिन जो निशान लगाते हैं हम, ये निशान होता है हमारा आर्म होल लेंथ का, इसे हम आर्म होल लेंथ कहते हैं, ठीक है। वो अभी आपको बताई थी, वो थी फ्रंट लेंथ, जो हमारी आर्म होल लेंथ होती है उसे होती है कमीज वाली, ये होती है आर्म होल लेंथ बाजू वाली। ये बाजू वाली आर्म होल लेंथ हम यहाँ से 3.5 इंच पर लगाएंगे, यहाँ से एक निशान जो लगाएंगे तो यहाँ पे देखो तैयार आर्म होल आएगा, तो हमारा तैयार आर्म होल जो आएगा हम यहाँ पे 47-48 साइज में 9.5 इंच रखेंगे, ठीक है। आप 9.5 इंच जब रखेंगे तो ये आपका 9.5 रख लेंगे या 9.5 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आप रख लेंगे तो ये आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, जब ये आप 9.5 पे निशान लगा लेंगे तो आप बाजू के लिए यहाँ पे कुटके पे आप जोड़ भी देंगे तो आपकी बाजू बिल्कुल फिक्स से चढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे। इसका एक फार्मूला और है जो मेरी मेजरमेंट वाली वीडियो मैंने बता रखा है कि आप इसका एक फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के बाइसेप ज्यादा हैवी होते हैं तो ये फार्मूला काम नहीं करता, तो आप मेरे बताए हुए तरीके से फार्मूला निकालें और उसे देख सकते हैं, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। मेजरमेंट की दोनों वीडियो आप उसे वॉच करें तो आपको काफी समझ आएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।